राम नाम जान्यो कबीर राम नाम जान्यो नहीं धंधे ही धंधे ही मैं मर गया धंधे ही मैं मर गया बाहर भई ना बम्ब बाहर कबीर राम नाम जान्यो नहीं कबीर राम नाम जान्यो कटक कुटुंब पालिया कटक कुटुंब कबीर राम नाम जान्यो नहीं कबीर राम नाम जान्यो कबीर राम नाम जान्यो नहीं राम नाम जान्यो नहीं पाले ओ पाले ओ कटक कुटुंब धंधे ही मैं मर गया धंधे ही मैं मर गया बाहर भई न बम्ब पालिया कटक कुटुंब
बहु परपंच कर पर धन्या। बहु परपंच कर पर धन्या सुत दारा पै सुत दारा पै आन लुटावे राम नाम जान्यो नहीं बहु परपंच कर पर धन लियावे सुत दारा पै आन लुटावे मानु मेरे भूले राम नाम जान्यो नहीं मानु मेरे भूले कपट ना कीजे अंत नवेरा अंत नवेरा तेरे जी पहली जय अंत नवेरा तेरे जी पहली जय छिन छिन तन छीज छिन छिन तन छीज जरा जनावे तब तब तेरी ओक को पानियो न पावे पालियो बहुत कुटम का पालियो कटक कुटम तब तेरी ओक को पानियो न पावे कहत कबीर कहत कबीर कोई नहीं तेरा पाले कटक कुटुंब कोई नहीं तेरा जगत में झूठी देखी प्रीत कोई नहीं तेरा जगत में झूठी देखी प्रीत अपने ही सुख से सब लागे अपने ही सुख से सब लागे सुख में आन बहुत मिल बैठते कहत कबीर कोई नहीं तेरा सुख में आन बहुत मिल बैठ रहत चहू दिस गेरे सुख में मौसंगी भय रहत चहू दिस गेरे सुख में मौसंगी भय दुख में संग न कोय जगत में झूठी देखी प्रीत
कहत कबीर कोई नहीं तेरा, अपने सी सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या उम्मीद, ए जग एह जग मीत ना देखियो कोई, एह जग मीत ना देखियो कोई, अपने ही सुख सो सब लागे, दुख में संग ना हो, मेरो मेरो सब कहत है, मेरो मेरो सब कहत है, हित स्यो बांधो चीत, पर अंत काल संगी ने को अंतकाल संगी ने को ए अचरज है रीत, ए अचरज है रीत, अशर्ज्या नियम है, मनुख संसार विच रहिंदा भी जगत नाल दुनिया नाल इंदा रिश्ता भी है, सारा खलारा तो इंदा दुनिया विच है, पर गुरु कहंदे ने केडी अशर्ज दी रीत है भाव नियम ने, के जेड़े मेरे मेरा आख के दिन रात गलवकड़ियां पांदे सोएले गांदे सन, जिस वेले समा आया उदों कोई भी अपना ना बनिया, ए अचरज है रीत, ते गुरु कहिंदे केड़ी अजीब गल है, मनुख देख रहे हैं ये भी नहीं भी देखिया ना हो, पता ही ना हो, सब कुछ अखी देख रहे हैं पर समझ नहीं रहा, मन मूर्ख मन मूर्ख अज हूं ने समझत, मन मूर्ख अज हूं ने समझत, सिख दे हार उनीत, गुरु कहते मैं सिखिया देंदा देंदा हार गया, रोज सिखिया देंदा रहा पर ए मन समझिया नहीं, मन मूर्ख अज हूं ने समझत, सिख दे हारे उनीत, ते सिख की दिती, नानक पव जल पार परो, नानक पव जल पार परो, जो गावे प्रभ के गीत, मन मूर्ख अज हूं है समझत, कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पर एथे रुकना चाहना क्योंकि जिन्नी देर असि बाणी नू चौफेरियों वसी ढंग नाल नहीं
समझते कई बार कई भुलेखे पै जाते हैं। इतने लफज ने पालियो कटक कुटंब दिन रात करके मशक्त नाल कुटंब पालदा रहा, भाव परिवार पालदा रहा, ताकि कुटंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि गल तो जग दी आई है, संसार दी आई है, उत्थे भी यह गल आखी है तेरा कोई नहीं। इनका मतलब संसार नाल संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदा कोई कुटंब है उन्हें तो कुटंब पालना, क्योंकि गुरबाणी ने हर पक्ष नूं स्पष्ट कीता है। हुण सतगुरु बाणी विच ही कहिंदे ने किरसानी किरसान करे, उस तो औखा धंधा केड़ा है। संसार दे जिन्ने धंधे ने सब तो औखा धंधा किरसानी दा है। उन्दे च भरोसा भी बड़ा है, सब कुछ दा ते लग जांदा है, पता नहीं उगना कि नहीं उगना, फिर पता नहीं केड़ी बीमारी है, पता नहीं पक्की फसल ते गड़े मार हो जानी है। इनिया मुश्किलों विच्चों झाग के किसान कुछ कमांदा है। ते गुरु अगली लाइन विच एक गल स्पष्ट कर देंदे ने, कहंदे ने किरसानी किरसान करे लोचे जीव लाए। मन विच जीव विच एक लोचा है, चाहत है, खाश है, वो केड़ी हाल जोते उद्दम करे। सारी किसानी उस उद्दम ते निर्भर है। ते सारा उद्दम किसानी क्यों करता है, फिर उत्थे आ जांदा पालियो कटक कुटंब। सोचना पएगा गुरबाणी ने सानू कुछ गल्लां बड़ी अंतरीवी ढंग नाल समझाईयां ने। कहंदे ने किरसानी किरसान करे लोचे जीव लाए, हाल जोते उद्दम करे, मेरा पुत धी खाए। पालियो कटक कुटंब आ गया ना, है ना, औखा धंधा करके फिर वह कहता हल जोते उद्यम करे मेरा पुत धी खाए। तो गुरु रब दे ते मनुखता दे भगत दे प्यार नू ए संज्ञा दे रहे ने। कहते ने किसान की तरह मेरा रब जड़ा वो सारे संसार दे जीवा जीव उनके पुत्र धियां ने परिवार है, ते उन्होंने पाल भी रहा। ते जे तू एडा वड्डा परिवार पाल रहा है ते साढ़े चार जीयां दे परिवार पालन नू तू माड़ा किवें कह सकना है। सोचना पएगा इहदा मतलब यह नहीं कि सिख परिवार गृहस्थी ना होवे, फिर तो वो योगी जिन्होंने परिवार नालों संबंध ही तोड़ लिया, ना परिवार पालिया, ना परिवार बनाया, ना उन्होंने कोई परिवार सी कुटुंब सी, फिर तो वो चंगे होए। गुरु ने उन्हें प्रवान नहीं किया, गुरु ने उन्हें इसलिए अपने रस्ते तो आख दिता कि कोई मनुख ग्रह ताज
घर छड़ दिता, कुटुंब त्याग दिता, ते बन विच जंगल विच चला गया, जोगी बन गया। ते गुरु ने आख्या मैनू परवान नहीं, क्यों? ग्रह ताज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा, अजू बिकार ना छोड़े पापी मन मंदा। गल से बनी नहीं, घर छड़ दिता, कुटुंब छड़ दिता, धंधा छड़ दिता। धंधा तो उन्हें नहीं करना सी, जिहड़ा जोगी जंगलों में बैठा है उन्हें कहड़ा धंधा करना। एक पासे ये कह दिता कि धंधे ही में मर गया, इंदा मतलब कुटुंब ना होवे। ते गुरु एक पासे ये भी कह रहे ने, गिरही में सदा हर जान उदासी। गृहस्थी होवे, और यही एहो कारण है हिस्टोरिकली भी आप देखिए, जे कदी गुरु दे जी जिहड़ा अपनी रचना तो एक गल समझा रहा है, वो आप भी जीवन विच गृहस्थी है। उन्हें सिख नू भी गृहस्थी बनाया है, किसी सिख नू ये सिक्ख्या नहीं दिती घर बार छड़ के, परिवार छड़ के जंगलों में चला जा। किसे और बड़ी अजीब गल है, एक पासे एक गल आख दिती, दीन गवाया दुनी स्यों, दुनिया विच खचत होके तू दीन धर्म गवा लिया, दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी ना चाली साथ। उस दुनिया लई जिन्हें दुनिया ने तेरा साथ ना दिता, उनके पिछे तू अपना जीवन बर्बाद कर लिया, दीन गवाया दुनी स्यों। ते दूजे पास ये भी कहता कह दिता, दीन के तो से दुनी ना जाए। है गुरबाणी विचों हर पक्ष देखना है, वेखी कितने दीन पिछे लग के दुनिया ही गवा लवे, दीन के तो से दुनी ना जाए। हुण जिन्हां ने दीन समझ के जंगलों में जाके निवास किया, दुनिया छड़ दी, उन्होंने तो दुनिया गवा ली। हुण असल विच गुरु नानक दा ते बाबा कबीर जी दा कहना जिहड़ा सी, ओ एक लफज दे विच स्पष्ट कर दिंदा है। कबीर राम नाम जानियो नहीं, उंदी पछाण ही नहीं, उंदी लोड़ ही नहीं, क्यों? धंधे ही मैं मर गया। धंधा जेड़ा परिवार लई, जेड़ा संसार बनाने लई, दुनिया वड्डी करन लई दिन रात लगा रहा, उन्दे विच आराम नू भुल गया, एक चीज छड़ के दूजी वाले पासे आया। बहुत देर होई मैं कर्ज की थी सी, केड़ी अजीब गल है, किसी ने दीन गुआ लिया, किसी ने दुनिया गुआ ली। जेड़े जंगलों विच गए उन्होंने दुनिया गुआ ली, ते जेड़े परिवारों विच रहे वो इन्ने खचत हो के उन्हें दीन गवा लिया, रबी चेते नहीं। हुण गुरु ने दो चीज़ां जीवन विच तुहाडे सामने रख दित्तियां, कोई चीज़ ऐसी नहीं जिंदा दो रूप ना दिते होण। दिन भी बनाया, रात भी बना दित्ती, हालांकि रात मनुख एक बारी वर्ज कीती सी, रात मनुख ने परवान नहीं कीती, अखां बंद करदा ते सौं जांदा, मैं रात देखना ही नहीं चाहुंदा, दिन चढ़ी जगदा, क्योंकि इंदे सारा धंधा दिन ते खलोता है। इसलिए रात नू, पर जे भला रात हुंदी ना दिन ही हुंदा, फिर केड़ी परेशानी हुंदी। इसे तरह एक ख्याल करो, दुनिया की हर एक चीज़ जिहड़ी है, सर्दी है गर्मी है, दो चीज़ां वक्रियां वक्रियां बना देती हैं, पर दो चीज़ां बनाने का मकसद ये नहीं सी कि एक छड़ दे इनू बैलेंस कर। बरियास की सी भी बसंत रुत सारियां नालों खूबसूरत क्यों आखी गई, क्योंकि उत्थे सर्दी ते गर्मी बैलेंस हो गई, ना सर्दी हावी रही
ਨਾ ਗਰਮੀ ਹਵੀ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿਨ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੈ, ਜੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਵਿਖਾਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਵੇਂ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪੀ, ਜੈਸਾ ਸੁੱਖ ਤੈਸਾ ਦੁੱਖ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਰਹੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹਰ ਜਨ ਉਦਾਸੀ। ਗਿਆਨ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਗਿਰਹੀ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਆਖਿਆ ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਧੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਧੰਦੇ ਲਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਣਿਓ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਧੰਦਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਧੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਕਿਰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਬਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ, ਅਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਧਰਮ ਬਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੀਨ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਤ ਧੰਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁੱਲੇ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੀਨ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੋਨੋਂ ਤੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਘੋਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੰਦਾ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਕਟਕ ਕੁਟੰਬ ਪਾਲਿਆ ਕਟਕ ਕੁਟੰਬ ਧੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤਾ,
नाल दीन नू बराबर थान नहीं दित्ती। इंदा नसी बैलेंस करना कि गुरु ने, इसलिए एक गल गुरबाणी की एक लाइन है कि मेरा गुरु जेड़ा है गुरु पूरे संजम कर दिया, नानक तो फिर दुख ना थिया। संजम की है, छड़ना नहीं संजम करना है। कहन लगे रब विच ते संसार विच ते निरंकार विच इस ऐसा बैलेंस काम कर रहे तेरे अंदर आ जाए कि तू किरती भी होवे संसारिक भी होवे। इसे लई बाबा कबीर जी दे एक लफ़ज़ जी ने कि माया मैं जिस रखे उदास, कह कबीर हो टंका दास। मैं एक वर्ष की थी सी भाई गुरदास जी ने जदों जनक दी गल की थी उदों ये गल क्यों आखी, भगत वड्डा राजा जनक है कि भगतां च भी कोई वड्डा छोटा हुंदा है? पर नहीं, अगली लाइन अंदर स्पष्ट कर दिता। कहन लगे भगत वड्डा राजा जनक इसलिए है क्योंकि गुरमुख माया विच उदासी, माया त्यागी नहीं संसार छड़िया नहीं, उन्हूं बैलेंस कर लिया है। इसलिए दुनिया त्यागनी नहीं। सिख नूं भी गुरु ने यह नहीं आख्या संसार छड़ दे जंगलों में लग जा, बल्कि आख्या बैलेंस कर ले, रह संसार विच दुनिया विच परिवार विच, पर परिवार विच हुंदिया होया तैनूं निरंकार चेते आवे। इहो गल सतगुरु ने आप भी समझाई ते बाबा कबीर जी दी रसना तो भी इहो गल आखी। कहन लगे किते ऐसा ना होवे धंधे ही मैं मर गया, धंधे ही मैं मर गया, बाहर पैना बंब। इतिहास करें बंब दारत है आवाज, फिर तेरी आवाज भी कोई नहीं रहनी, पछतावा भी, क्योंकि बम दा पुराना शास्त्रां दा वेदां दा एक लफज है जो आप आम भी देखने हैं। जेड़े आ शिव दे पुजारी नहीं, वो कहते बम भोलेनाथ, भोलेनाथ दी आवाज। तो बम लफज दा अर्थ है आवाज। कहन लगे फिर तेरी कोई सद कोई आवाज नहीं रहनी, जे सारा जीवन तू धंधिया विच ही बिता दिता। कहन लगे फिर तेरी कोई पुकार भी किसे नहीं सुननी, धंधे ही मैं मर गया, बाहर पैना बंब, बाहर पैना बंब। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, कबीर राम नाम जान्यो नहीं, जान्यो नहीं। तो गुरु ने संसार परिवार छड़न दी गल नहीं की थी। पाल धंधा कर, पर धंधे नू सुकिरत बना ले। ते सुकिरत धंधा कदों बनेगा जदों उन्दे विच कालख नहीं रहेगी, झूठ नहीं रहेगा, धोखा नहीं रहेगा, पराया हक नहीं रहेगा। ते ए चीज़ां जिस दिन अंदर राम नाम दा चेता रहेगा, प्रभु दा चेता रहेगा, उदों ये चीज़ां चलियां जाणगियां। फिर वह धंधा ही सुकिरत बन जाएगा, वह धंधा ही संजम बन जाएगा। इसे लई गुरु ने अपनी रसना तो एक लाइन अंदर फैसला कर दिता कि गुरमुख हासे गुरमुख रोवे, जो गुरमुख करे साई भगत होवे, उन्हूं वक्री भगती की लोड़ नहीं।
उनकी किरत ही भगती है, उनकी किरत ही भगती है जिन्हों संजम आ गया, जिन्हों बैलेंस करना आ गया। इन्हों शब्दों नाल खिमांदा जा चका, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।